कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे, उसका कोई मतलब थोड़ी है। नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा लगातार है, और इसी चर्चा के बीच आरसीपी सिंह पटना पहुंच गए और उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बातें कही। वो कहीं ना कहीं अब जदयू और ललन सिंह के लिए मुश्किल खड़ी कर रही हैं। एक तरफ उनका कहना है कि विशेष राज्य के दर्जे की जो खिड़की है, उस खिड़की से जो राशि मिल रही है वो राशि आ जाए तो काफ़ी है। वहीं ललन सिंह ने एक बार फिर से मांग को दोहराया है और कहा है कि मांग तो हमारी जायज़ है, मिलनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम लोग हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। कल भी पुल का उद्घाटन हुआ तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग जायज़ है और ये बातें कोई भी लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, वो ये नहीं कह सकते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। देखिए किस तरीके से ललन सिंह ने साफ किया है, अपनी बातों को रखा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील भी की। लेकिन पार्टी की जो राय है वो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राय है वो बहुत साफ है, राज्य सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। ये पुष्कर सिंह धाम है, लेकिन एक चीज है ना कि आप आए दिन इस तरीके की बातें सामने पार्टी में आ रही हैं, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन क्या होगा, पार्टी के नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे, उसका कोई मतलब थोड़ी है। इसलिए हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को रखा है, राज्य की सरकार ने पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति के को देखते हुए और पार्टी का यह साफ स्टैंड। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।